केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तारी के बाद जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राणे को सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन अब एक और नोटिस पुलिस ने उन्हें भेज दिया है। तो अब किस मुसीबत में फंसे केंद्रीय मंत्री, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 15 अगस्त के मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे बोलते बोलते भूल गए थे कि देश आजादी की ही जयंती मना रहा है या अमृत महोत्सव। उद्धव ठाकरे की इसी बात को लेकर राणे ने तंज कसा तो इस पर शिव सैनिक भड़क गए। कहीं दोनों ही दलों के कार्यकर्ता भिड़े तो कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। दरअसल विवाद तब बढ़ गया जब नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कही थी। बता दें कि जुहू में कल शिव सैनिकों ने राणे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। यहाँ उनके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर भी लगे थे। इसके बाद अब मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मामले में केंद्रीय मंत्री को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब नासिक पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उनके खिलाफ प्राथमिकी के सिलसिले में नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेश होने को कहा है। बता दें कि राणे पर 4 मामले पुणे, नासिक, ठाणे और महाड़ में दर्ज है। वही बुधवार को नारायण राणे के घर से वकीलों की एक टीम निकली है। राणे पर दर्ज सभी मामलों को खारिज करने की याचिका मुंबई हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिस पर सुनवाई जारी है। इस बीच शिवसेना नेता अनिल परब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें परव राणे की गिरफ्तारी का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे रहे हैं। बीजेपी अब इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कह रही है। बीजेपी का दावा है कि राणे की गिरफ्तारी का फैसला पुलिस का नहीं सरकार का था और सरकार ने पुलिस पर दबाव बनाया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट।